अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह आज 7 बज चुके हैं और मैं मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। मीटिंग पॉइंट पर क्यों पहुंचा हूं? क्योंकि आज मुझे जाना है मेंटरशिप के लिए एक स्कूल, द सिटीजन फाउंडेशन स्कूल। और अभी मैं मीटिंग पॉइंट है, ये डॉलमेंट मॉल है मेरे पीछे, और मैं वेट कर रहा हूँ अपने बाकी मेंटर्स का। तो वो आते हैं तो उनके साथ निकलेंगे मैं DCH स्कूल। तो यहाँ पर बैठे हैं कमरे में और बच्चे जो हैं वो आते हैं स्कूल से। दोबारा हम लोग नाश्ता करके जो है मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अब जो है फ्रेंड्स भी आ चुकी हैं, अब जो है हम स्कूल की तरफ जाएंगे। Now we are at TCF school. और स्कूल हम पहुँच चुके हैं, द सिटीजन फाउंडेशन स्कूल, तेईसर टाउन। अस्सलामुअलैकुम जी, सेशन जो है शुरू हो चुका है। ये पीछे जितने देख रहे हैं आप बच्चे, वो मेंटीज हैं हमारे, ठीक है। मैं वजाहत उमर जो है हम मेंटोर हैं, और अभी हम आपको मेंटीज से जो है मुलाकात करवाते हैं। शहबाज, ये हैं शोएब, नहल, समीर, नवीद। मेरा नाम शहबाज है। मेरा नाम शोएब है। मेरा नाम समीर है। मेरा नाम नवीद है।
मेरे इरादे है कि मैं आर्मी में जाऊँ। मैं क्लास 8 का तालिबे इल्म हूँ और मुझे इंजीनियर बन रहा है। मुझे इंजीनियर बनने का शौक है और तालीम हासिल कर सर वजात ने हमें पहले बात की कि भाई तालीम हासिल करनी है और तालीम हासिल करके फिर मेहनत जद्दोजहद करके फिर आप इंजीनियर बन सकते हैं। और मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ और उसके लिए मेरे को तालीम हासिल करनी है, मेहनत करनी है। आर्मी में आप क्यों मतलब क्यों जाना चाहते हैं? आप आर्मी में एक शौक है। शौक क्यों है आपको? बस अपने वतन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं एक्सपोर्टर बनना चाहता हूँ, यानी कि बाहर माल दरामद करना ये मेरा शौक है। ये करने से मुल्क का नाम रोशन होगा। सर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे को सबसे पहले तो मैट्रिक करना पड़ेगा और अपनी ये कोशिश मैं क्रिकेटर बनने की कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। अकेडमी में ज्वाइन करना पड़ेगा और तालीम हासिल करते रहना पड़ेगा। तो जी ये हमारे मेंटीज के जो है तासुरात थे जो वो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो मेरे को मेंटोर जो है उमर भाई, उनसे भी आप मुलाकात कर सकते हैं। ये हमारे पांचों मेंटीज बहुत ही होनहार हैं और हमें बड़ी उम्मीद है कि ये आगे चलकर अपने लिए और इस मुल्क के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। ये शहबाज हैं, इनका आर्मी में जाने का इरादा है। ये शुएब हैं, इनका इंजीनियर बनने का इरादा है। ये समीर हैं, माशाल्लाह मुस्कुराते रहते हैं, इनका भी पाक फौज में जाने का है। ये नहल हैं, इनका इरादा क्रिकेटर बनने का है। सरफराज अहमद ये बनने का सोचते हैं कराची से, एक और सरफराज उजागर होगा इंशाल्लाह ताला। और ये नवीद भाई हैं, एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्टर बनेंगे, बहुत बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे फलों और सब्जियों के इंशाल्लाह। और हमें एक अच्छा बिजनेसमैन, एक ईमानदार बिजनेसमैन चाहिए है। तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क के लिए और बहुत कुछ करेंगे और इस मुल्क को बहुत आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आखिर में जो है हर मेंटोर जो है अपने ग्रुप के साथ जो है और ग्रुप की फ़ोटो के पीछे अपना मैसेज लिखता है ताकि मेंटीज को जो है वो याद रहे ये लम्हात। कलम बंद करता है। आज तो ये यादगार के लिए हम इसके पीछे मैसेज दे रहे अपने मेंटीज को जो इनको हमेशा याद रहेगा। तो
औकात आ रही है, महीने की चीनी खत्म हो गई है। आप लाते ही हो रहे हैं, मैं तो इतनी किफायतशारी से चलती हूँ। इतनी बुआ औरत हो तुम, कुछ करती नहीं हो घर में, चीनी खत्म कर दी तुमने, अब कहाँ से लाऊं मैं, तनख्वाह आदमी हूँ आप, मैं जानती हूँ तनख्वाहदार आदमी है, मगर खत्म हो गया। अरे छोड़ रहा हूँ, क्या बेटे को डांटती रहती हो और ये तुम छठी के बाद पांचवी के बाद भी छठी में स्कूल जा रही हो, इधर है स्कूल छोड़ा ही तुमने भाई, वो पढ़ना चाहती है। चलो चलते हैं। 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 चल
TCF का टारगेट ये था कि वो कुछ हज़ार स्कूल बनाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज TCF 1441 स्कूल पे पहुंच चुका है। 205,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो TCF के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, और TCF का आगे जो मकसद है वो इसको फर्दर एक्सपेंड करने का है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक तालीम पहुँचाई जाए। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी है बच्चों की जो कि तालीम से जिन तक तालीम नहीं पहुंच सकी है, स्कूल नहीं जाते हैं, और TCF की इस वक्त ये पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक तालीम को पहुंचाया जाए। Signing off from TCF school.